रानीगिरी गांव के पास से ही एक बहुत बड़े जंगल का मार्ग है। उसके पास ही एक बहुत बड़ी खाई है, उसे भूतिया खाई कहते हैं। रात होते ही उस ओर से कोई नहीं जाता। कानीगिरी को जाने या फिर कानीगिरी आने के लिए उसे जंगल के रास्ते से ही जाना पड़ता है। अंधेरा होते ही कानीगिरी गांव के लोगों को जंगल में मटके में जलती हुई आग दिखाई देती है। उसे देखते ही दरवाजे बंद करके डर के मारे बत्तियां बुझाकर सो जाते हैं। अंधेरा होने के बाद यदि उस मार्ग से आए तो समझो अपने जान से हाथ धो बैठे, क्योंकि एक चुड़ैल रात होते ही खीर बनाती है। उस खीर से सड़े हुए मुर्दे की बू आती है। उस बू को सूंघते ही थोड़ा नशा छा जाता है। फिर जिस ओर से बू आने लगती है आदमी उस ओर अनजाने में ही जाने लगता है। उस ओर जाने वाले लोगों को चुड़ैल टुकड़े टुकड़े कर देती है। खून को मटके में डालती है। उस आदमी के हाथ पांव से चूल्हे में आग जलाती है। सर और दिल को एक बड़ी सी हंडी में डालकर खीर बनाती है। ठीक आधी रात होने के बाद वह चुड़ैल सर पर खून का मटका रखकर गांव में आती है। पायल की आवाज सुनकर कुत्ते बिल्ली यहां तक कि पक्षी भी आवाज नहीं करते। चुड़ैल सर पर मटके रखकर पायल की आवाज करती हुई जाती है। उस वक्त उसे किसी को भी नहीं देखना चाहिए। यदि कोई उसे देख ले तो उसकी आंखें चली जाती है। वह चुड़ैल मटके से खून को एक घर के सामने रखी हुई बड़ी सी बर्तन में डालती है। वह चुड़ैल कौन है? रात के वक्त खून की मटकी लेकर गांव में वह क्यों घूमती है किसी को भी नहीं मालूम। असल में उस मटके में क्या है यह भी किसी को नहीं मालूम। कारीगिरी में सभी लोग बहुत ही वैसे वाले हैं। उस गांव के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, पर अमीर होने के कारण बहुत घमंडी भी है। दूसरे गांव के लोगों को थोड़ा नीचा करके देखते हैं। कारीगिरी में राहु जी अपने पूर्वजों से लेकर मिठाइयां बेचते हुए आ रहे हैं। आसपास के गांवों में राव जी की मिठाइयों का बहुत ही नाम है। उनके दुकान में बेचे गए रोज मिल्क सभी को बहुत ही पसंद है। एक बार जो राव जी के दुकान का रोज मिल्क खा लेता है वो उसके स्वाद का गुलाम बन जाता है। इतनी स्वादिष्ट रोज मिल्क बनाना किसी के बस की बात नहीं है। एक दिन शहर में पढ़ने वाला राव जी का पोता अशोक बिना बताए गांव में आ रहा था। उस भूतिया खाई से अनजान अशोक अकेले ही पैदल उस मार्ग से आ रहा था। तभी बाप रे, ये कैसी बदबू आ रही है, उल्टी आ जाएगी। Thank you.
अशोक उन भूतिया खाई में गायब हो गया है। जब ये बात पता चली तब राव जी और गांव वाले खोजने लगे। तब जाकर उस खाई में अशोक के कपड़े और सामान दिखाई दिए। उन्हें ले जाकर कुछ पूजा करवाए। अशोक का पता लगाने के लिए तांत्रिक को भी बुलवाए। तांत्रिक के द्वारा पूजा भी करवाए। अशोक का पता लगाने वाले को 1,00,000 रुपए मोहर देंगे ऐसा ढिंढोरा भी पिटवाए। फिर भी अशोक का पता नहीं चला। 2 महीने बाद एक स्वामी जी उस ओर से जाते हुए, भिक्षा मांगने आए हैं, भिक्षा भिक्षा दे। आइए स्वामी जी, आइए, भिक्षा स्वीकार कीजिए। मैं आपकी भिक्षा की तैयारी कर रहा हूं, तब तक आप इस गुलाब दूध से अपनी प्यास बुझाइए। अरे मूर्ख, दूध कहकर खून देते हो। अरे अरे खून नहीं स्वामी जी, मैंने तो गुलाब दूध दिया। दोनों जाकर हंडी में जब दूध देखे तो वह गुलाबी रंग में ही थी, लेकिन स्वामी जी के हंडी के ऊपर हाथ रखते ही दूध एकदम से खून में बदल गई। इसमें मनुष्य का खून मिला हुआ है बेटा, एक बार तुम अपने घर में मुझे लेकर चलो। आइए स्वामी जी, आइए। तुम कौन हो? लेकिन वह आत्मा सिर्फ स्वामी जी को ही दिखाई और सुनाई दे रही थी। अशोक की आत्मा ने स्वामी जी को सारी बातें बताई। बेटा, ये तुम्हारा पोता अशोक है, मरकर तुम्हारी घर की छत से लटक रहा है। तुम लोगों के प्यार की वजह से वो भूत बनकर रह रहा है। क्या? मेरा पोता अशोक मर गया है? अरे बेटा अशोक, मेरे पोते को किसने मारा? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। स्वामी जी ने सारी बातें बताई। उस भूतिया खाई वाली चुड़ैल ने मेरे पोते को मार डाला, उसकी वजह से और कितने लोगों की जान जाएगी। स्वामी जी, आपको ही कुछ करके हमें बचाना होगा। भूतिया खाई में चुड़ैल? असल में बात क्या है? वह चुड़ैल कहां से आई है? वह चुड़ैल है कौन? पता नहीं स्वामी, कहां से आई और हमारे गांव से क्यों बदला ले रही है। 23 सालों से हर दिन रात को पायल की आवाज करती हुई सर पर मटका रख कर घूमती है। उसे देखने पर आंखें चली जाती है और अगले दिन से ही 3 दिनों में खून की उल्टियां करके मर जाते हैं। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वो चुड़ैल कौन है, क्या है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी करके मेरे पोते की आत्मा को शांति दिलाइए स्वामी जी। उसे खत्म करने के लिए मुझे एक आदमी की मदद लेनी होगी। मैं आऊंगा स्वामी जी, क्या करना है मुझे बताइए। चुड़ैल को देखने पर तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी और तुम अंधे हो जाओगे। यदि मेरे द्वारा दी गई कपाल तंत्र सिद्ध ना हुई और मैं चुड़ैल को ना मार पाऊं तो तुम 3 दिन में मर जाओगे। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? उस चुड़ैल ने मेरे बेटे को क्यों मारा है मुझे जानना है स्वामी जी, मुझे खुद की परवाह नहीं है। स्वामी जी कपाल तंत्र में चुड़ैल को बंदी बनाने के लिए मंत्र पढ़ रहे थे। घबरा जमान जो घबरा जमान जो। इतने में चुड़ैल के पायल की आवाज सुनकर स्वामी जी बोले, जल्दी आओ, मैं जैसा कह रहा हूं तुम वैसा करो। ऐसा कहते ही बड़ी सी हंडी में तेल लेकर आए और उनके घर के सामने चुड़ैल के आते ही चुड़ैल के ऊपर तेल डालकर जला दिए। चुड़ैल के सर के ऊपर से मटका नीचे गिर गई और वो टुकड़ी टुकड़ी हो गई। पूरी जमीन खून से भर गई और चुड़ैल धूल में बदलकर कपाल मोगू में बंदी हो गई।
बताओ तुम कौन हो? तुम क्यों इस गांव से बदला लेना चाहती हो? अशोक को क्यों मारी? बताओ वरना तुम्हें भस्म कर दूंगा। बताऊंगी बताऊंगी, मुझे कुछ मत करो। कई साल पहले इस राव जी का बेटा विमल राव खाना में उपयोग करने वाले मसालों के लिए खाई के नीचे स्थित हमारे निवास स्थान पर आता था। उस प्रकार हम दोनों में दोस्ती हो गई। मुझसे शादी करने का वादा भी किया था, अपने घर ले जाकर अपने पिता से अपनी शादी की बात की थी, मगर हम लोग गरीब हैं करके वो हमारी शादी के लिए नहीं माना। मुझे देखकर यहाँ के लोग गांव की लड़की कहकर मजाक उड़ाए। उनके गांव में मुझे चप्पल पहनना मना किया गया था और कहते हैं कि उनका गांव अमीरों का गांव है, हम जैसे गरीब लोगों को उनके गांव में कदम नहीं रखना है। मेरा चप्पल उतरवाकर उन्हें सर पर रखकर मुझे जाने को कहा। मेरी इतनी बेइज्जती हो रही थी पर विमल राव बिना कुछ कहे देख रहा था। उस बेइज्जती के कारण मैं उस खाई में कूदकर अपनी जान दे दी। बदले की वजह से मैं भूत बन गई हूँ। पैसे वाले गरीब वाले कहकर अलग अलग नजर से देखने वाले इस गांव के लोग बहुत ही पापी हैं। मुझे बेइज्जत करने वाले इन लोगों को भी दर्द देना है, इसलिए इस गांव वालों को मारकर उस खून को इस राव के बनाए हुए गुलाब दूध में रोज मिला रही हूँ, उन सबको खून पिलवाई हूँ। पूर्णा, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम्हारा बदला पूरा होकर तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने के लिए क्या करना होगा बताओ? मुझसे शादी करेगा करके मुझे धोखा देने वाला इस विमल राव के मरने के बाद ही मेरा बदला पूरा होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो गई। स्वामी जी, कुछ भी करके आप ही मेरे बेटे को बचाइए। जाओ रे मूर्ख, तुम जैसे जो जात पात अमीर गरीब करके जो भेदभाव करते हैं ना, वैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारा पोता मर गया है, कल को तुम्हारा बेटा भी मरेगा। इतना पैसा होते हुए भी तुम अपने वंश को नहीं बचा पाए, तुम्हारे साथ तुम्हारे वंश का भी अंत हो जाएगा। पूर्णा की आत्मा को तो शांति मिलेगी, पर तुमने जो पाप किया है उसकी वजह से तुम्हारे पोते की आत्मा को और तुम्हारे बेटे की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर स्वामी जी कपाल तंत्र करके पूर्णा की आत्मा को भस्म ना करके बीच में ही रोक कर चले गए। 3 दिन में ही विमल राव खून की उल्टियां करके मर गया। इस चिंता से कुछ दिनों में ही राव जी की भी मृत्यु हो गई और उस भूतिया खाई में रहने वाली पूर्णा की आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल गई, वो परलोक चली गई। यह सब कुछ देखकर गांव वालों को बुद्धि आ गई और वे जात पात अमीर गरीब यह सब कुछ भेदभाव को मिटाकर सभी लोग मिलजुल कर अच्छे से रहने लगे।